हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कैपेसिटर्स। और इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में सभी बच्चों को ना कंडक्टर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। यहाँ आप लोग इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो, पोटेंशियल्स की जानकारी लेते हो, चार्ज कैसे रखा जाता है या बनता है इस पर, या पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या करती है इसके साथ। तो ये सब कुछ ही कम्बाइंड होकर आपको अभी पढ़ना रहेगा, ठीक है बच्चों? तो कैपेसिटर्स क्या हैं, क्यों ये अलग हो गए कंडक्टर से और क्या मेजर डिफरेंस है, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि कैपेसिटर हम उन लोगों को बुलाएंगे कि जो लोग एनर्जी को स्टोर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, वन लाइन आंसर। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली होनी चाहिए बच्चों? ये होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है? किसी भी फील्ड के अंदर से ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले उसको अपन कैपेसिटर बुलाएंगे। और ये चैप्टर पूरा का पूरा डील करेगा आपको कि हम कैपेसिटी पढ़ेंगे कंडक्टर्स की, कि कैसे ये लोग होल्ड करते हैं चार्ज को और एनर्जी को। बेसिकली आप लोग कैपेसिटी पे ध्यान दो, कंडक्टर्स की कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये लोग चार्ज और एनर्जी को होल्ड करने वाले हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल्स जो अपन देखते हैं। फैन वगैरह में बच्चों कंडेंसर लगा होता है, ठीक है? उसी को टेक्निकल टर्म्स में कैपेसिटर ही बोलते हैं। एक वाइट कलर का बॉक्स देखते होगे आप, सिलेंड्रिकल सेक्शन की तरह। तो ये काम कैपेसिटर का ही रहता है बच्चों। और सारे ही बच्चों को आजकल फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, तो अपन देखते हैं कि उसमें जो फ्लैशलाइट इस्तेमाल करते हैं वो भी फ्लैशलाइट कैपेसिटर के ही फंक्शन पे वर्क करती है। तो फ्लैशलाइट यूज्ड फॉर फोटोग्राफी, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं और इनको अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी ये समझ लो कि ये एक बार बटन अपन ने दबाया तो डिस्चार्ज हो गया कम्प्लीटली, और जल्द से जल्द ये रिकवर कर जाता है और वापस से रिस्टोर हो जाता है। तो क्विकली रिकवर कर जाने का एक बहुत अच्छा इसका प्रिंसिपल है, इसलिए इसको अपन मोबाइल में लगा के दिन भर में 50 बार फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है? तो फैन हो गया और फ्लैशलाइट हो गया, ये इसके दो बेसिक एग्जाम्पल हो गए। अब हर बच्चा समझता है कि कंडक्टर ही क्यों है और कैपेसिटर ही क्यों है, क्यों डिफरेंस है, क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो ये मान के चलो कि कंडक्टर पे चार्ज दोगे तो क्या होगा, कैपेसिटी तो आ ही जाएगा उसके पास। तो ऐसा लिखना जरूरी है अपन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए कि हर कंडक्टर, दैट मीन्स एवरी कंडक्टर हैज कैपेसिटी, ठीक है? हर कंडक्टर के पास खुद की एक कैपेसिटी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको अपन कैपेसिटर ही बुलाने लग जाएं। वो बहुत ही एक स्पेशल वर्ड है और खूब सारी क्वालिफिकेशन के बाद उसको अपन डिक्लेयर करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे एवरी कंडक्टर हैज कैपेसिटी बट इट इज नॉट अ कैपेसिटर, है ना? ये ध्यान रखें बस आप, एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग वाली टर्म है और स्टेटमेंट है, बस समझ के चलो, इसको आगे अपन पूरा क्लियर कर देंगे। एवरी कंडक्टर हैज कैपेसिटी, लेकिन हम इसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं कि एक कैपेसिटर और कंडक्टर में कोई बोले एक अंडरलाइन डिफरेंशिएट करके बताओ तो कैसे करोगे आप, कि जो कैपेसिटर होता है ना बच्चों वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, बस कुछ नहीं है। जैसे क्लासरूम में बच्चे होते हैं, पढ़ते सभी हैं और कुछ बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये वो वाले बच्चे हैं, ठीक है? अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मोर पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड कंडक्टर। इतना सिंपल सा डिफरेंस है इसका, ज्यादा करेगा बस ये एनर्जी स्टोर, ठीक है बच्चों? और कंडक्टर के पास होती है कैपेसिटी, लेकिन जो ज्यादा लोग वाले होते हैं ना उनको अपन कैपेसिटर बोलने लगते हैं। तो अभी तक बार बार टीचर आपको कैपेसिटी के बारे में बहुत चीजें बोल चुका है, ये एक्चुअली होता क्या है इसको अपन डिस्कशन में लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, ठीक है? या इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है कि किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को पढ़ के देखिए, ठीक? लेट्स से क्यू इज चार्ज ऑन कंडक्टर, आप इस आर्बिट्री शेप के किसी आइसोलेटेड कंडक्टर पे चार्ज रख दो। तो कंडक्टर का मतलब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कि चार्ज कहाँ आ जाएगा बच्चों? इसके सरफेस पे आ जाएगा। और किसी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल भी दिखने लग जाएगा। तो यहाँ से मैथमेटिक्स और थ्योरी कंबाइन करके लिखोगे तो क्या समझ में आएगा, कि दो बातें दिखती हैं यहाँ से, क्यू प्रपोर्शनल टू वी दिखता है और कुछ बच्चों को वी प्रपोर्शनल टू क्यू दिखेगा। फिर रिपीट करता हूं, पहले बच्चों यहाँ पे चार्ज आया होगा, उसके बाद ये दिखना शुरू किया होगा। इसका मतलब क्या है कि V जो है वह डिपेंडेंट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है? तो डिपेंडेंट का मीनिंग क्या बन रहा है अपने को, कि V इज डिपेंडेंट ऑन Q। तो ये चीज सही है और ये थोड़ा कम सही है,
मेरे कहने का मतलब है ये आप हजारों जगह पे देखोगे, और आज पढ़ने के बाद ये नहीं है कि जाके डिबेट करने लग गए कि हमारे सर ने ये बोला या हमारे सर ने ये बोला है। हम अपने कन्वेनेंस के लिए ऐसा लिखते हैं, बल्कि एक्चुअली में ये सही होता है कि पोटेंशियल डिपेंड करता है बच्चों चार्ज पे। पहले चार्ज रखोगे तब तो इसको देख पाओगे आप, ठीक। तो यहां से मैं लिखता हूं, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वी कैन बी रिटन एज 1/c टाइम्स ऑफ क्यू। यहां से दो बातें सामने आ रही हैं, एक कैपेसिटी हो गई तुम लोगों की क्यू डिवाइड बाय वी, और फेमस फॉर्मूला निकल के आ गया क्यू इक्वल्स टू सी वी। बहुत बुक्स में इससे सॉल्व होता है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत होता है, बच्चों को कन्वेंस के लिए मान लेते हैं ऑथर्स और बुक्स में, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखो, q इक्वल टू सी वी, या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, c इज इक्वल टू क्यू बाय वी। और सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कैपेसिटेंस की, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज चार्ज कितना चाहिए इसको पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। तो आप देखो ना डायग्राम देखो, पहले आप चार्ज लेकर आए बाजार में जाके, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, वी बढ़ने लग गया इसका। तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 वोल्ट। आगे जाके मैं इसको डिस्कशन में लूंगा, अभी बेसिक सी बात समझ लो कि कैपेसिटी का मतलब होता है चार्ज लागे दो इसको और ये अपना पोटेंशियल बढ़ा लेगा। दैट मीन्स आपने पहले चार्ज दिया और वहां पे पोटेंशियल दिखने लगा, दैट्स इट। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। और याद क्या करना है इस पूरे पेज में कि क्यू बराबर सी वी, ठीक है, वेयर सी इज इक्वल्स टू, इसी के बारे में इतनी देर से अपन बातें कर रहे हैं, सी इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ द, ये कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं अपन, तो अभी यहां अपन सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कर लेते हैं, और ये टॉपिक है अपना आइसोलेटेड कंडक्टर। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ऐसा यूनिट हमारी कैपेसिटी की, जिसको कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो प्रीवियसली अपन पढ़कर आए हैं कि कैपेसिटर करता क्या है, वो चार्ज और एनर्जी दोनों को स्टोर कर देता है। तो कॉमन नोशन जाता है बच्चों के दिमाग में कि सर कूलम होगा एनर्जी इसका यूनिट, या तो जूल्स कर लो एनर्जी को देख के। बच्चों ये दोनों नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी ना उसके फिजिकल डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिजिकल डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है, इसलिए इन लोगों को एक नया टर्म निकालना पड़ा जिसका नाम है फैराड, ठीक है। और फैराड अपने आप में ना एक बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड इज वेरी वेरी लार्ज। तो कॉमनली यूज करने के लिए स्टूडेंट्स और सभी लोगों ने इसको क्या किया, माइक्रो फैराड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैं यहां लिखता हूं, माइक्रो फैराड इज मोर प्रिफर्ड, ठीक है। फिर अगर 1 फैराड की बात करें डिस्कशन में, तो 1 फैराड क्या है बच्चों, इट इज इक्वल टू 1 कूलम और 1 वोल्ट। ये कैसे आ रहा देखो, कैपेसिटी होता है अभी के टॉपिक में क्यू बाय वी, इसको अगर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लोगे तो 1 फैराड हो गया इधर, और यहाँ क्या हो गया 1 कूलम, और ये हो गया 1 वोल्ट। आ गया बच्चों ये वाला टर्म। और डिफाइन करना है तो 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, जहां 1 कूलम ऑफ चार्ज बढ़ा देगा 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलम चार्ज लाया किसी कंडक्टर के ऊपर, इस तरह कंडक्टर के ऊपर 1 कूलम दिया आपने चार्ज, और 1 वोल्ट से बढ़ गया, तो इसकी कैपेसिटी कहने लग जाएगी 1 फैराड। और चार्ज अपन लेट से पॉजिटिव का लेकर आ गए, ठीक है, उसी को थ्योरी में यहाँ बताया हुआ है। तो ये बातें लिखी हैं पूरी, माइक्रो फैराड है -6, नैनो का मतलब -9, पिको का मतलब 12, ठीक है। और ये ध्यान रखें अपन, कोई पूछेगा कि 1 फैराड क्या होगा, तो ये टर्म लिख के देना उसको। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 फैराड जो जनरली होता है 1 ऑफ F, ये 1 कूलम बाय 1 वोल्ट होगा, और इस चीज को अपन को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। आइए अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर लेना है, 1, 2 और 3। पहले समझो इसको कि कोई भी आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर अज्यूम कर लिया, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, चार्ज दे देंगे, तो प्रोवाइड चार्ज क्यू। तो यहाँ पे बच्चों आप चार्ज देते ही क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर के सरफेस पे दिखने लग जाएगा, बेसिक सा फिनोमिना है ये। तो उसकी वजह से वी आना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा, वी अपने आप में फंक्शन किसका होगा, चार्ज का नहीं होगा फंक्शन। तो लिख लेंगे सब्सिक्वेंटली, एक पोटेंशियल अपीयर होने लग जाएगा बच्चों, पोटेंशियल
विल अपीयर, ठीक है, पहले अपने चार्ज दिया और पोटेंशियल अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और ये पोटेंशियल फंक्शन भी रहेगा, फंक्शन ऑफ चार्ज, सो सिंपल, ठीक है। और फाइनली कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, क्यू लिखो और वी लिखो और आपका इसी से क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर, ठीक है। देन फाइंड, थर्ड वाले के लिए अपन लिख देते हैं यहां पे, देन फाइंड द रेशियो क्यू बाय वी, सिंपल, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डायमेंशन क्या होगा कैपेसिटी का, तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं, सी को कहते हो बच्चों आप लोग क्यू डिवाइड बाय वी। अगर टीचर ने इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या है, इसके डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे अपन तो सीधा सीधा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने आप में होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और ऊपर ऑलरेडी एक और चार्ज है तो चार्ज क्या हो जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा, ठीक। वर्क का फॉर्मूला छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, ये होता है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। और चार्ज का अपन जानते हैं, ए लिखा टी लिखा और दो दो हैं तो क्या हो जाएगा, टू। इसको ढंग से लिख लेते हैं बच्चों, एम हो गया यहाँ पे माइनस वन, एल हो गया यहाँ पे माइनस टू, टी का टर्म हो जाएगा यहाँ पे फोर और ए हो जाएगा टू। तो ये आपके पास किसका आ गया, कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया, जो कि यहाँ पर भी मैंशनड है, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराइड, हम सभी जानते हैं, और डायमेंशन फॉर्मूला ये याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, अगर फॉर्मूला भी याद है ना तो 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।